हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम हॉर्नबिल बुक की सेकंड पोएम रीड करेंगे, द लैबर्नम टॉप, जिसके पोएट हैं टेड हूड्स। ये पोएम एक पेड़ के बारे में है जो अमलदास का पेड़ होता है। इस पेड़ के बारे में इस पोएम में वर्णन किया गया है कि कैसे एक पक्षी होता है गोल्डफिंच नाम के, गोल्डफिंच नाम का एक पक्षी होता है जो गाने वाला पक्षी होता है, कि वो इस पेड़ में अपनी फैमिली के साथ रहता है। वो ही एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी फैमिली का पेट भरता है। वो जाता है ऊंचे आसमान में और उनके लिए कुछ खाने का इकट्ठा करके लाता है और फिर आकर चुपके से उन्हें खिलाता है। तो सितंबर जो मंथ है, सेप्टेम्बर मंथ का टाइम होता है जो गर्मी में सूर्य की रोशनी में जो पेड़ है वो सोने की तरह चमकता है, और जो पक्षी होता है वो पक्षी भी येलो फीदर्स, पीले पंखों वाला एक पक्षी होता है। तो हम इस पोएम को रीड करते हैं। लेट स्टार्ट। द लैबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्विट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। कि जो लैबर्नम, जो अमलदास पेड़ है, वो सेप्टेम्बर महीने की, जो सेप्टेम्बर में सूर्य की रोशनी में येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, कि सेप्टेम्बर के जो सूर्य की येलो पीली रोशनी में, दोपहर का टाइम होता है, रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज है, धूप ज़्यादा है, इसलिए कहता है कि उस पीली धूप में जो लैबर्नम पेड़ है वो बिल्कुल ही शांत दिखाई दे रहा है, खामोश दिखाई दे रहा है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। ए फ्यू लीव्स, लीव्स क्या होती है, पत्तियाँ, येलोइंग पीली, उसकी कुछ पत्तियाँ पीली हो रही है, एंड ऑल सीड्स फॉलन, और उसके सभी बीज नीचे गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम विद ए ट्विचिंग चिर्प, ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। तो क्या कहता है कि जो पक्षी है गोल्ड फिंच नाम का पक्षी, वो चुपचाप से एक चहचाहट और एक चौंकाने वाली आवाज़ के साथ वहाँ आता है, और जो एक पेड़ की जो एक ब्रांच है, ब्रांच एंड क्या होता है, पेड़ के कोने पर जो टहनी का एक कॉर्नर है उस पर आकर बैठ जाता है हैरानी के साथ। देन स्लिक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, स्लिक एज ए लिजर्ड, लिजर्ड क्या होती है आप सभी को पता है, छिपकली होती है, स्लिक चुस्त, कि वो एक छिपकली की भांति चुस्क और चौकन्ना रहकर वो अचानक इधर उधर देखता है, और अचानक से अब्रप्ट, अचानक से एंटर्स द थिकनेस, एंटर्स द थिकनेस मतलब वो पेड़ की गहराइयों में कहीं एंट्री कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। जो पक्षी है वो एक मादा पक्षी है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चैटरिंग एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स। क्या कहता है कि जैसे वो पक्षी अंदर जाता है तो एक इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन आपने देखा होगा, जैसे कि जनरेटर वगैरह है चलते हैं तो उनमें से एक अलग से आवाज़ आती है, तो उसी तरह से एक इंजन स्टार्ट हो जाता है। किसका, उनकी चहचाहट का, जो भी अंदर होते हैं उसके, पक्षी वगैरह जो बच्चे वगैरह अंदर होते हैं उनकी चहचाहट का, उनकी जो पंखों के फड़फड़ाने का ट्रेमर होता है, फड़फड़ाना, विंग्स होती है पंखे कि जो उनकी पंखों की फड़फड़ाहट है, उनका शोर, उनके चहचहाने का शोर, और उनका जो है वो रोमांचित हो उठते हैं जब वो जैसे ही पक्षी अंदर एंटर करता है, मानो ऐसा कि वो उनका इंजन हो, वो एकदम से उनका जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है, पेड़ के अंदर से आवाज़ आने लग जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स देन एंड थ्रिल्स, ट्रेम्बल्स होते हैं कांपना, रोमांचित होता है, थ्रिल का जो मीनिंग होता है कि जो पूरा पेड़ है वो रोमांचित होकर कांपने लगता है। इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली, ये उसके पूरे परिवार का इंजन होता है। सी स्टोक्स इट फुल, वो अपने परिवार का जो भी उसके मेंबर्स हैं, जो बच्चे हैं, उन सबका पेट भर देती है। देन फर्स्ट आउट ऑफ ए ब्रांच एंड, और फिर वो अचानक से एक ब्रांच के एंड पर आकर बैठ जाती है। सोविंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, जो उसका धारीदार चेहरा है, जो कि उसका आइडेंटिटी, उसका पहचान है, उस चेहरे के साथ वो बाहर आकर फिर से टहनी के कोने पर बैठ जाती है, जो पक्षी होती है। देन विद एयर डेलिकेट विशल चिर्प विस्परिंग सी लॉन्चिज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लैबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और फिर क्या कहता है, जैसे वो उनका पेट भर के बाहर निकलती है, वो थोड़ी देर वहाँ बैठती है, और फिर वो अपनी सीटी जैसी आवाज़, सीटी जैसा जो उसका शोर होता है, कोमल, बिल्कुल ही जो मीठा एक मधुर जो शोर है उसकी चहचाहट का,
वो धीरे धीरे से गायब होने लगता है। जो गायब कैसे होने लगता है कि वो धीरे धीरे से ऊंचाइयों की ओर उड़ना शुरू कर देती है। इनफाइनाइट मतलब आसमान में बहुत ऊंचाइयों पर वो चली जाती है और उसका शोर भी उसी के साथ बंद हो जाता है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबरनम का पेड़ है, जो अमलतास का पेड़ है, वो फिर से शांत और सुनसान हो जाता है। एम्प्टी मतलब खाली, और उस पर कोई शोर नहीं होता, क्योंकि जब वो पक्षी आता है थोड़ी देर के लिए तो सभी जो उसके भी बच्चे बच्चे होते हैं उस पेड़ के अंदर, वो सभी शोर मचाना शुरू कर देता है। पूरा पेड़ एक थ्रिल होता है, रोमांचित हो उठता है। लेकिन जैसे ही वो पक्षी वापस ऊंचाइयों पर जाता है तो वो सारा शोर बंद हो जाता है और वो पेड़ जो अमलतास का है वो फिर से शांत हो जाता है। तो ये पोएम थी हमारी लेबरनम जो ट्री थी उसके बारे में। तो आप इस पोएम को रीड कीजिए इस वीडियो की हेल्प से। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।